तो हम डाइक्लोफेनाक एक मेडिसिन है जो जानवरों को दी जाती थी पिलर के रूप। ये यूरेसिन ग्रीफन है, ये देखो शेड्यूल वन में आता है, बहुत ही शानदार। और ये देखो कितने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हमारी जो ट्रेल का जो है सेकंड डे है, तो चलते हैं। और आज फिर से जो है इकोलॉजिकल को हम मेजरमेंट करते हैं, और डेटा सैम्पलिंग के लिए मैं चलता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं इधर से जाऊंगा, इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखो यहाँ पर ना बर्ड्स की साइटिंग बहुत होती है, बर्ड्स बहुत दिख जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा साइड गांव पड़ जाते हैं, जंगल है, तो इस वजह से बर्ड्स। तो दोस्तों आज जो है काफ़ी शानदार होने वाला है। नदी देखो फिर सूख गई है मेरे पीछे, और धूप भी आजकल सुबह सुबह अच्छा है कि गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए हैं। इधर हैं सती जी और मेरा कर रहे हैं, और चलते हैं। देखो इनके पास दूरबीन, और इसकी रेंज कितनी है? 10x40 में है ये। अच्छा, वो है एक ड्रोंगो वाली बर्ड, और वो है इस तरफ किंगफिशर। कैमरे पर नहीं दिख रहा, खैर बहुत छोटी है ना बर्ड्स, तो इसलिए हम दूरबीन है अपने पास। तो प्रस्थान करें आगे को, चलिए फिर। तो आप ये जो देख रहे हैं लंबी सी लाइन जो बनी हुई है, ये देखो पाइथन गया है ऐसे करके, और वो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको लोकल लैंग्वेज में कनिया बोलते हैं, और ये मेडिसिनल प्लांट है। और वैसे जो इसका वैसे ये जो है सोलोनम वाला प्लांट है। ये देखो बहुत बड़े दाने आते हैं, देखो पास नहीं, कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये देखो कितना शानदार लग रहा, कांटे देख रहे हैं इसमें इतने सारे, ये देखो बहुत ज़्यादा पूरा कांटे कांटे वाला ही है, इसलिए शायद कनिया बोलते हैं। तो दोस्तों कल जो फोटो में शानदार रहा, और ये मेरे पीछे सती जी हैं अभी ये देख रहे हैं, क्योंकि ये नेचर गाइड का काम भी करते हैं और इनको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। ये देखो तो देख रहे हैं कि कैसा क्या करके। देखो वल्चर्स, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, एक यहाँ पर है, एक ये उड़ते हुए जा रहा है, बैठ गया। देखो अब मैं इसको दूरबीन से देखता हूँ, तब दिखेगा ये एकदम। वो जो आप सामने देख रहे हैं ये हिमालय ग्रिफॉन है, और ये शेड्यूल वन में आता है, और दिखाता हूँ आपको। इसके बारे में कुछ पता है आपको ज़्यादा? वो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो रही है ना, वल्चर्स गायब हो रही है, ख़त्म हो रही है जी। तो इसके जो वल्चर्स ख़त्म हो रहे हैं ना, अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज हो रही है, तो इसमें कारण ये माना जा रहा है कि माना जाता है, जब सर्वे हुआ था इसका, तो ये जो हम डाइक्लोफेनाक एक मेडिसिन है जो जानवरों को दी जाती थी पिलर के रूप में, तो वो उसके बाद ये हमारे जो है इसके वेंजर हैं जंगल के ना, जो भी बचा खुचा है उसको ख़त्म करते हैं। तो जब इन्होंने किया तो इनके भी जो पेन किलर है डाइक्लोफेनाक, उसका जो सॉल्ट था वो इनकी बॉडी में भी चला गया। अच्छा, और वो क्योंकि ख़त्म नहीं होता, तो जिसकी वजह से इनकी भी डेथ होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब प्रेजेंट में जो है गवर्नमेंट ने वो डाइक्लोफेनाक को बैन कर दिया। अच्छा, तो उसका वो सॉल्ट नहीं आता। यहाँ पर है हिमालय ग्रीफन, ये देखो बर्ड्स, यहाँ पर देखो ये शेड्यूल वन में आती है। देखो कैमरे में ना जूम साफ नहीं आता, तो इस पर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये कितना सुंदर लग रहा है। आओ चला आगे को। ये आप होंगे, ये चीड़ के उसमें, चीड़ के पेड़ में लगता है, और फायर सीजन बहुत ज़्यादा आग में जो है बहुत आग को और ज़्यादा बढ़ा देता है। देखो कितना बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखो यहाँ बह के आया होगा नदी में ना ये। तो वहाँ पर वल्चर्स का पूरा झुंड है, इधर अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरे में साफ नहीं दिखता ना, तो सॉरी उसके लिए उस तरफ से, लेकिन नेकेड आई से बहुत सुंदर दिख रहा है। दोस्तों देख रहे हैं बेरी का पेड़, इतने सारे और इतने मीठा है ना, यहाँ पर पूरा बेरी बेरी के प्लांट है, वो कितना शानदार लग रहा है। इसको खाने के लिए स्पॉटेड डियर हो गए, बहुत सारे मंकीज़ हो गए आते रहते हैं, देखो कितना शानदार लग रहा है, हरा भरा। तो दोस्तों अभी मैं आपको जो है हिमालयन ग्रिफन वाले बर्ड दिखाता हूँ, उधर साइड पे बहुत सारे हैं, और शेड्यूल वन में आता है, बहुत ही शानदार। और अगर आपको दिखाऊंगा ना, लेकिन कैमरे साफ नहीं दिखता ना, यही है। तो ये आसमान में जो फ्लाई कर रहा है, ये यूरेसिन ग्रिफन है, ये देखो, ये देखो कितना तो सुंदर लग रहा है भाई साहब। अभी देखो दोस्तों, ये देखो ये है हिमालय ग्रिफन, और देखो इतने सारे बैठे हैं और आगे भी बैठे हैं, दिखाता हूँ आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितने शानदार प्यारे तरह से बैठे हुए हैं लोग। हाँ दोस्तों, ये देखो फ्लाई कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर करिए। तो दोस्तों आज जो है हमें जो है काफ़ी
बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग होंगे 100-150 के करीब हिमालय ग्रीफॉन देखे, और इसने बहुत अच्छा काम किया और इसको बहुत दूर दूर तक देखा तो काफ़ी शानदार था। वो यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर पानी भी है, देखो बहुत कम मात्रा में है अब तो, और पुरानी वीडियो में तो इतना ज़्यादा था, उसमें पानी पूरा का पूरा भरा भरा था, अब बहुत कम है इधर का। तो दोस्तों जो हमारी इकोलॉजिकल सर्वे हो रही थी, जो मेरी जो दूसरी ट्रेल थी वो आज हुई कम्प्लीट, और हाँ वहाँ पर जो है पारिस्थिति की कैसी है और क्या क्या सैंपल लेने थे, डेटा सैंपलिंग की, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे जो है एशियन वल्चर्स हो गए, एशियन ग्रीफॉन वल्चर और दूसरा हिमालयन ग्रीफॉन, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले और काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी जो वाइल्ड एनिमल की साइटिंग हुई, जो आपका हिमालयन ग्रीफॉन है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था मतलब। और दोस्तों काफ़ी शानदार रहा मतलब आज का जो हमारा ट्रेल रहा, काफ़ी एकदम अमेजिंग था मतलब। दोस्तों मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रेल पे, नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग पे। धन्यवाद।